टॉपिक है आज का सरलीकरण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंपलीफिकेशन। क्या बोलते हैं बाबू? इसके बिना मैथ अधूरा है। अगर ये नहीं आता है किसी भी क्लास का गणित नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे, वो भी बेटर से बेटर तरीके से, ठीक है? तो उससे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, आखिर यह होता क्या है, इसका नियम क्या है? आया समझ में? आया समझ में? ऐसा लगा जैसे क्लास में आदमी ये नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? अभी कुछ समझाए नहीं है, क्या समझ में आया बोलो? चलो ध्यान से सुनो। सरलीकरण यानी सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण का एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका नाम है बोर्ड मास। क्या नाम है? बोर्ड मास। बोर्ड मास में एक एक चीज का मतलब समझेंगे। यह क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन? तो सबसे पहले होता है रेखा कोष्ठक, और इसका संकेत कुछ इस तरह से होता है। याद कर लोगे? एक रेखा, रेखा कोष्ठक, ठीक है? उसके बाद होता है छोटी कोष्ठक, उसके बाद मझली कोष्ठक, फिर है बड़ी कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के? कोष्ठक कितने प्रकार के? चार। कौन कौन? बड़ी कोष्ठक। अभी इधर नहीं देखना, बताओ यह कौन कोष्ठक है? यह कौन कोष्ठक है? छोटी कोष्ठक। कौन कोष्ठक है? और यह कौन कोष्ठक है? और यह कौन कोष्ठक है? बड़ी कोष्ठक। याद हुआ? चलो अब आगे समझो, इसको हटा देते हैं। अब आगे यह है ओ। बी के बाद आता है क्या चीज? ओ। तो बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट चार प्रकार के, उसके बाद है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का हिंदी होता है का। जब सवाल बनाओगे देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा हिंदी में का। क्या लिखा रहेगा? का। तो उसका क्रिया करना है। सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट, उसके बाद ओ यानी ऑफ, और उसके बाद में क्या है? डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब? और डिवीजन का हिंदी? भाग। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो जब हम सरलीकरण करेंगे, किसी सवाल को बनाएंगे, जब हम सवाल देंगे तो बनाओगे, तो सबसे पहले क्रिया करना किसका? ब्रैकेट का। किसका? और ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा कोष्ठक, तब करना छोटी कोष्ठक, तब मझली कोष्ठक, तब बड़ी कोष्ठक, फिर का, तब भाग, तब गुणा, तब जोड़, और उसके बाद में घटाव। इसके लिए एक कहावत है, पहले करो का की क्रिया। किसका? का। जब ब्रैकेट का हो जाए तब। उसके बाद में करना है किसका? भाग, तब गुणा, तब जोड़, और उसके बाद घटाव। बात समझ में आया? तो बताओगे सरलीकरण करते समय हमें यह ध्यान रखना है, जब बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक यानी लाइन ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, फिर छोटी कोष्ठक, मझली कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक, का, भाग, गुणा, जोड़, और उसके बाद में घटाव। आ गया समझ में? तो इसका सवाल देंगे बनाने के लिए, घर से बना के इसको लाओगे, ठीक है? तो क्वेश्चन हमारा यह है, ए बाबू, क्वेश्चन हमारा यह है बोर्ड मास का, ठीक है? क्या होता है बोर्ड मास? क्या इसमें ब्रैकेट है? तो ब्रैकेट नहीं तो इसको हटा दो। क्या इसमें ऑफ यानी का है? तो इसको भी हटा दो। बी मतलब डिवीजन। क्या इसमें भाग है? है। तो सबसे पहले काम किसका होगा? भाग का। किसका होगा? भाग का। भाग देने आता है। चलो तो इसको हटा दे। अब देखो इसमें भाग कहाँ है? भाग यहाँ पे है ना? तो दो का पहाड़ा पर वो आठ आना चाहिए। दो चौके
चार बेर में कट गया, बाकी बात सबको उतार दो। सात प्लस पांच माइनस तीन गुने कितना है यहाँ पे, चार लिख दिए। उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद चार प्लस पांच और उसके बाद गुना तीन और प्लस नौ। अब भाग का हो गया, भाग के बाद किसका होगा गुना का, भाग के बाद किसका होगा गुना का। तो क्या इसमें गुना है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बाकी बात सबको उतार दो। सात प्लस पांच माइनस चार तिहाई, चार तिहाई और प्लस का चार और प्लस का कितना हो जाएगा पांच तिहाई, पंद्रह और प्लस में नौ। अब देखो गुना का हो गया, गुना के बाद किसका होगा जोड़ का, तो क्या इसमें जोड़ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सबको जोड़ दो। सात पांच बारह माइनस बारह और प्लस में कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़ो तो कितना होगा, जोड़ो ना, पंद्रह गो और चार गो उन्नीस गो और उन्नीस गो नौ गो अट्ठाईस गो, फिर इन दोनों जोड़ को एक साथ जोड़ दो, हो जाएगा आठ दो दस के जीरो हासिल, एक दो एक तीन एक चार और माइनस में बारह, चालीस में से बारह हटा दो कितना हो जाएगा, दस में से दो गया तो आठ और बचेगा कितना तीन में से एक गया तो दो, अट्ठाईस आंसर आएगा, कितना आएगा अट्ठाईस आंसर आएगा। आया समझ में, पहले किसका काम करोगे भाग, पहले भाग उसके बाद गुणा उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दे, ए अगला क्वेश्चन दे, देखो दूसरा क्वेश्चन है और इसमें का आ गया है, क्या आ गया है का, तो का की क्रिया कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले का करेंगे तब भाग करेंगे तब गुना तब जोड़ और उसके बाद में घटाओ। देखो का मतलब होता है गुना, का मतलब ए, का मतलब गुना, तो यहाँ पर यह का है, यह तीन से छ कितने बार में कर जाएगा, दो बार में कर जाएगा और दो से दो में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, छ का है तो यहाँ पर जाएगा गुना दो बटे तीन, तो ऐसे ही इकरा काटोगे तो हो जाएगा दो बेर में, दो से दो में गुना करोगे तो हो जाएगा दो दूनी चार। तो इस सब को मिटा के हम डायरेक्ट चार नहीं लिख सकते हैं, और प्लस है तो प्लस, पांच है तो पांच और गुना है तो गुना, आठ तो आठ प्लस छ और भागा। अब यहाँ पे देखो ये तीन से तीन कर जाएगा, बचेगा क्या चीज खाली दो, तो दो लिख दे और प्लस, आठ है तो आठ माइनस है तो माइनस है, तीन है तो तीन। अब बताओ का क्रिया हो गया, का के बाद हम किसका काम करेंगे, का के बाद भाग, क्या इसमें भाग है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बाकी बात सबको उतार दो, भाग का काम कर लो, हो जाएगा चार प्लस पांच गुने आठ प्लस दो से काटो छ, कितना बार में कटेगा तीन बार में, और प्लस आठ और माइनस में तीन, तो करो अब काम, अब किसका हो गया गुणा का, तो गुणा कहाँ पे, वो यहाँ पे है, तो चार प्लस आठ पंचे तो चालीस लिख दिए, और प्लस तीन प्लस आठ और माइनस में तीन, इस सब को जोड़ दो कितना आएगा, तो हो जाएगा पचपन और पचपन में से घटा दो कितना तीन, तो पचपन में से तीन गया तो बावन आंसर आ जाएगा। तो यह था किसका काम, का और भाग गुना जोड़ और घटाओ का, आया समझ में, और बाकी बात घर से बना के लाओगे। प्रश्नावली तेरह है, कितना है तेरह, टू का तेरह है, वन में नहीं है, वन में इसका छोटा सा है, जिसके पास टू है ना उसका प्रश्नावली कितना बना के लाओगे तेरह, बनाना आराम से बन जाएगा। किसका बुक है।